विपक्ष के सांसद मणिपुर का दौरा कर रहे हैं, भाजपा के नेता सांसद जो दिल्ली में बैठे हुए हैं उनको मिर्ची लग रही है, और अब बीजेपी तो इस हद तक आ गई है कि मणिपुर की समस्या को सीधे जवाहरलाल नेहरू की गलती बता दिया है। देश के गृह मंत्री जहां पर चुनावी माहौल बनाने में जुटे हुए हैं वो हाथ हिला रहे, नमस्ते कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो आज की खबर दिखा रहा हूं मैं, 29 तारीख की 11:30 बजे की खबर है, और मणिपुर में हमलावरों की सुरक्षा बलों से मुठभेड़ हो गई, 3 लोगों की मौत हो गई। भाजपा कह रही है कि मणिपुर के लिए, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसके लिए नेहरू जिम्मेदार हैं, देश का गृह मंत्री चुनावी माहौल बनाने में जुटा हुआ है, यहां पर लोगों की मौत हो रही है, और भाजपा के अध्यक्ष जो है वो 2024 के लिए माहौल जुटाने में जुट गए हैं। ये भी 29 तारीख की खबर है, 2 बजे की अपडेट है। और ये देखिए भाजपा के सांसद जगन्नाथ का बयान है, वो कह रहे कि नेहरू जिम्मेदार है। कहां तक आप बीजेपी को जो है वो देखेंगे, किस हद तक जो है बीजेपी जाएगी मणिपुर को लेकर के? अरे साहब, जहां पर गृह मंत्री को होना चाहिए था वहां तो आज विपक्ष खड़ा है। ये तस्वीर देखिए, यहां पर जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जो है वो आपको नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं, और यहां पर पूरा विपक्ष जो है वो आपको नजर आ रहा है, और यहां पर जो है वो हमलावरों की मौत है, हमले में जो है वो मौत हो रही लोगों की, और यहां पर जो है वो भाजपा के सांसद कह रहे हैं कि विपक्ष राजस्थान और पश्चिम बंगाल क्यों नहीं जाता है। ये देखिए अनुराग ठाकुर का बयान है, ये कायदे से तो अनुराग ठाकुर को वहां पर भेजना चाहिए। वो याद है ना आपको, कुछ इन्होंने नारा दिया था, गोली मारो डैश 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 डैश, तो ये वहां भेज देना चाहिए इनको, पता चल जाएगा सब कुछ। लेकिन देखिए देश की तस्वीर, देश की राजनीति किस दौर में है, देश की राजनीति जो है वो किस हालत में है, इस चीज को आप देखिए। एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको, बीजेपी जो है वो पूरी तरह से इस चीज को दरकिनार करके 2024 के चुनाव में जुट गई है, जबकि मणिपुर के बगल के जो मुख्यमंत्री है, मेघालय के मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी के साथ गठबंधन में है, वो कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों को सिर्फ अभी नहीं बल्कि बाकी समय में भी पूर्वोत्तर में आना चाहिए। एक तरह से स्वागत कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। बीजेपी यहां पर जो चुनावी चेहरे बनाने में जुटी हुई है, किस राज्य से कौन कौन जो है वो नेता लिए गए हैं, मध्य प्रदेश से 8 लिए गए हैं, छत्तीसगढ़ से 3, 2, 5, 1, फलां 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 फलां, कोई यहां पर 13 जो है राष्ट्रीय मंत्री बना दिए, उपाध्यक्ष बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिए, लेकिन फायदा क्या है इनका? ये घर बैठाने के लिए बनाए जाते हैं क्या? राजनीति में कोई आता है तो मोदी जी तो खुद कहते हैं कि 24/7, 365 डेज की राजनीति हम लोग करते हैं। तो क्या आप ये कर रहे हैं कि आज चलो 2 दिन की छुट्टी है संसद की, तो 2 दिन हम अपनी टीम का विस्तार कर लेते हैं, देश का गृह मंत्री को आप चेन्नई भेज देते हैं कि चलिए वहां पर प्रोग्राम में हिस्सा लेकर के आइए, वहां पर भी माहौल बनाना जरूरी है, चुनावी माहौल। लेकिन विपक्ष जो है वो पहुंचा हुआ है कहां पर? विपक्ष पहुंचा हुआ है वो मणिपुर के अंदर, और विपक्ष क्या कह रहा है और विपक्ष से लोग क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। But since all the what relate kids are there only, they have been staying at they are afraid to go. All the houses are burnt and many of the but all of them have been displaced. So at that time, children, all aged one, they were evacuated there. But some of the volunteers, they were there. Guarding the village. So you study in a school? School no kaam. Since how long the school are closed? From the day of the fighting started, yeah. I think it's been 3 months. 3 months. Yeah, the school, yeah, the school, the schools are closed. 3 months. Yeah. Okay. तीन महीने से वहाँ पर स्कूल बंद पड़े हैं, और कल जो है वो गृह मंत्री के हवाले से खबरें लिखी जा रही थी कि वहां पर तो स्कूल खुल रहे हैं, वहां पर तो जो है वो जो नौकरी पेशा लोग हैं वो अपनी दफ्तरों में वापस आ रहे हैं, स्कूलों के अंदर 72% तक जो है वो अटेंडेंस पहुंच गई है, यानी स्कूलों में 72% बच्चे जो है वो आने लग रहे हैं। यहां पर बच्चे कह रहे हैं कि 3 महीने से स्कूल बंद पड़ा है।
आप ग्राउंड पर नहीं जाएंगे पता कैसे चलेगा? दूसरे किसी को आप जाने नहीं दे रहे हैं, वहां पर इंटरनेट बंद है लोग, वरना आपको टीवी की जरूरत नहीं है। अब अगर वहां पर इंटरनेट केवल खोल दे तो वहीं से लोग लाइव कर करके जो है वो धज्जे उड़ा देंगे, पता है, इसीलिए इंटरनेट को बंद किया हुआ है। देश की राजनीति को समझिए, आज जो मौजूदा पार्टी है जो सत्ता में है सबसे मजबूत है, जो वो 2024 की चिंता कर रही है, वो चुनाव की चिंता में डूबी हुई है, वो अपनी नई टीम बनाने की चिंता में डूबी हुई है, किस राज्य में चुनाव है उससे कितने चेहरे लेने हैं इस चिंता में डूबी हुई है, कौन कहां पर नाराज है उसको लेना है उसमें डूबी हुई है, कांग्रेस से आए हुए लोगों को लेना है, इसमें जो लिस्ट बनाई है इसमें कांग्रेस से आए हुए चेहरे, एक एंटनी के लड़के को लिया गया ताकि फिर कांग्रेस को जो है वो अगर जो है वो गाली देनी पड़े, कोसवाना पड़े और उसकी आलोचना करनी पड़े, सवाल उठाना पड़े तो आसानी रहेगी फिर साहब, क्योंकि कहा जाएगा देखिए पूर्व कांग्रेसी आपके घर का जो है नेता वो आपको बता रहा है ये बात। तो कमाल की बात है साहब, जो पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, कायदे से तो उसके सारे वॉलंटियर वहां होने चाहिए थे, कायदे से तो वो आरएसएस के वो जो लोग जो मोहन भागवत कहते हैं कि 3 दिन के अंदर हम सेना खड़ी कर देंगे, तो उनको तो वहां होना चाहिए था, वहां होकर के वो लोग बताते कि हाँ भाई मणिपुर और मणिपुर के अंदर मैतई और कुकी के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, कोई जो दिक्कत होगी उसको आरएसएस के कैडर के लोग समेट लेंगे, क्योंकि उनके पास में तो बहुत बड़ी क्षमता है। लेकिन हालात क्या है वो आपके सामने है, और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो मणिपुर के बगल से मेघालय के सीएम का दिया हुआ है, ये सीधे तौर पर दिखा रहा है कि कैसे जो है वो हालात है, और यहां पर जो है वो स्वागत कर रहे हैं लोग, बीजेपी के ही लोग जो है वो गठबंधन के लोग स्वागत कर रहे हैं, तो इससे पता चल जाना चाहिए कि बीजेपी की हालत क्या है। भले ही बीजेपी के सांसद जो कहते रहे कि नेहरू जिम्मेदार है, अब इनको कुछ नहीं मिला तो नेहरू जिम्मेदार है, गजब की बात है साहब। अब दूसरी तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं, एक तस्वीर जो है आप ये देखिए, सीबीआई ने जो है वो अब जाकर के जो 4 मई को जो घटना हुई, जिस घटना को लेकर के जिस वीडियो को लेकर के पूरा देश हिल गया, पूरी दुनिया हिल गई, हमारा सर जो है शर्म से झुक गया, उस घटना को लेकर के सीबीआई ने अब एफआईआर दर्ज की है। महिलाओं के कपड़े उतरवा करके घुमाने के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, ये आज की दैनिक भास्कर की अभी दोपहर की खबर है, उसमें से स्क्रीनशॉट मैंने लिया, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये 28 जुलाई को, शुक्रवार 28 जुलाई को दोनों पीड़ित महिलाओं के पास में पहुंची, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इससे पहले ये शुक्रवार को 28 तारीख को दोनों पीड़ित महिलाओं के पास पहुंची, रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने उनके बयान दर्ज किए हैं। सोचिए देश की हालत क्या है, सोचिए देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, सोचिए देश के 56 इंच के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या कोई इनपुट नहीं है प्रधानमंत्री के पास, गृह मंत्री के पास? वो घटना 4 तारीख की है और अब जाकर के आपकी जो है वो सीबीआई अब जाकर के मिल रही है, विपक्ष के यहां पर कोई छापेमारी हो कुछ और बात हो तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन देखिए एजेंसियां जहां पर वास्तविकता में उनका काम है, उनकी जरूरत है, वहां पर कितनी लेट पहुंच रही है। मणिपुर में 19 जुलाई को 2 महिलाओं के कपड़े उतरवा करके घुमाने के वीडियो वायरल में, 19 जुलाई को जो वीडियो आया था, घटना 4 तारीख की बताई जाती है, वीडियो जो है वो 19 जुलाई की शाम को आया था और ये घटना जो है वो 4 तारीख की बताई जाती है, 4 मई की, 18 मई को बताया जाता है कि उस मामले में एफआईआर हुई थी थाने के अंदर, लेकिन अब सीबीआई ने 28 इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। मणिपुर को, मणिपुर में पुलिस शुक्रवार 28 तारीख को, शुक्रवार को पहुंची, दोनों महिलाओं के बयान दर्ज किए हैं। मणिपुर में ये 3 महीने से हिंसा जारी है, हालात तब से बिगड़े जब 19 जुलाई को 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का वीडियो वायरल हुआ, यह घटना 4 मई की थी जो मैंने अभी आपको बताया, वीडियो में देख करके लोगों का गुस्सा बढ़ गया। अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है पुलिस ने, जिसमें एक नाबालिग है, जिस वीडियो के अंदर दिख रहा है सैकड़ों लोग, और उस सैकड़ों लोग में से सिर्फ 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और वो भी इतना हंगामा पूरा देश हिल गया तब जाकर के हुई गिरफ्तारी, उससे पहले एक किसी की भी नहीं हुई थी, किसी एक जो है वो किसी कबूतर तक को गिरफ्तार नहीं किया था, किसी चिड़िया को भी गिरफ्तार नहीं किया था, जब पूरा देश हिल गया, पूरा देश जो है वो शर्मसार हो चुका था, तब जाकर के इनकी नींद टूटी है और तब जाकर के केवल 7 लोग गिरफ्तार किया। अब मणिपुर की एक लड़की जो है वो देश के प्रधानमंत्री से क्या कह रही है, सुनिए जरा।
मैं बस एक ही चीज कहना चाहती हूँ, हमारे प्रमुख प्रधानमंत्री के मोदी जी को, कि हम भी भारतवासी हैं, हमारे अंदर भी भारत का खून है, तो हमारे साथ ये अंतर क्यों, हमारे साथ ये भेदभाव ना करके हमारी चीखों का जवाब दीजिए, कोई कदम उठाइए जिससे शांति हो, जिससे हमारे भाई बहन की और मृत्यु ना हो, ताकि हम भी अपने हक के लिए लड़ सके, जिंदा रहे। ये मणिपुर की एक बच्ची का बयान है, ये कोई चाइना की नहीं है, ये कोई म्यांमार की नहीं है, हिंदी बोल रही है, अगर हिंदी ना बोले तो लोग कह देंगे कि कोई चाइना की ला करके खड़ा कर दिया, चाइना की वो एजेंट बोल रही है। और आईटी सेल में तब भी जो है इसका नाम, इसकी फोटो जो पता नहीं किसके साथ में, वहां पर सी जिनपिंग के साथ में, फला किसी नेता के साथ में दिखा देंगे अभी कि देखो ये वही चेहरा है, क्योंकि चल जाता है सब कुछ, किसी को भी कुछ भी दिखा देते हैं। विपक्ष जो वहां पर पहुंचा है, विपक्ष ने क्या कहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। हमारा मकसद है कि मणिपुर में फिर से शांति हो और सौहार्द बहाल हो, वहां पीड़ितों की मदद की जानी चाहिए, लोगों के पुनर्वास का काम होना चाहिए, वहां हम वहां पर इन मुद्दों को उठाएंगे, हम मणिपुर की राज्यपाल से मिलकर के उन्हें हालात की जानकारी देंगे। अधीर रंजन चौधरी साहब इस बात को कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो मणिपुर में उस डेलीगेशन का हिस्सा है, जो करीब 21 सांसदों का डेलीगेशन जो मणिपुर में पहुंचा हुआ है उसका हिस्सा है। आम आदमी पार्टी के सांसद ने कहा, सुनिए, मणिपुर में दर्दनाक स्थिति में है। आम आदमी पार्टी के एमपी हैं सुशील गुप्ता, और इनको जो है वो मणिपुर की महिलाओं ने दर्द अपना बताया है। उन्होंने कहा कि हम काफी डरे हुए हैं, हमारे घरों को जला दिया गया, सिर पर छत नहीं है, बच्चे 3 महीने से विद्यालय नहीं गए हैं। मोदी बीजेपी ने एक और राज्य को नफरत की आग में झोंक करके बर्बाद कर दिया है। ये जो है वो वहां पर जो मैंने अपनी रिपोर्ट दिखाई उसमें वो बच्चे कह रहे हैं। गौरव गोगोई का बयान है, अगर पीएम मोदी सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ मणिपुर का दौरा करने का फैसला करते हैं तो हम उनके साथ में जाना चाहेंगे। ये बयान जो है सुबह का है, तब वो जाना चाह रहे थे, तब उनके बाद के। आप देखिए क्या हालत हो गई है साहब, देश की क्या हालत बना करके रख दी है। जो पार्टी, जिस पार्टी को कोई खतरा नहीं, फलाने चैनल कहते हैं कि वो 2024 में तीसरी बार सरकार बनाएगी, मुख्यमंत्री खुद सामने आकर के कहते कि मेरा तीसरा टर्म, मेरा मुख्यमंत्री, मैं प्रधानमंत्री, फला 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 फला, लेकिन वो पार्टी खतरे में महसूस कर रही है अपने आप को, और वो पार्टी चुनावी मोड में है, चुनावी सभाएं, चुनावी जो है अपने कार्यक्रम चल रहे हैं उनके, कैसे अपने आप को मजबूत किया जाए, कैसे चुनाव जीता जाए, कौन अध्यक्ष बनाया जाए, कौन क्या बनाया जाए, उस पर चर्चा चल रही है। लेकिन जो पार्टियां खत्म है और जिनके लिए कहा गया कि ये तो चोर सीबीआई ईडी के ड्रेस इकट्ठा हुए हैं, वो मणिपुर पहुंच रहे हैं, और मणिपुर इनको पहुंचना चाहिए या नहीं पहुंचना चाहिए ये इस खबर से आप देख लीजिए। राज्यपाल हैं और ये रिलीफ कैंप के अंदर पहुंची हैं, और जब ये पहुंची तो महिलाएं उनसे आप बीती बताते हुए रो पड़ी। ये देखिए आप राज्यपाल को देख रहे हैं, और ये अनसुईया हैं वहां की राज्यपाल हैं, और इनसे मिल करके वहां पर जो महिलाएं हैं वो रो पड़ी है। कम से कम राज्यपाल ने अपना जो है वो राजभवन छोड़ करके वहां रिलीफ कैंप तक तो पहुंची, यहां पर कोई मणिपुर का मैं बोलने के लिए तैयार नहीं है। जिसके कंधों पर देश का भार है, जो जिसके कंधों पर देश की जिम्मेदारी है, वो मणिपुर बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये तो भला हो कि राज्यपाल जो है कम से कम वो वहां से अपने राजभवन से जो है वो रिलीफ कैंप तक पहुंची, और राजपाल पहुंच रही थी, इसका मतलब यह है कि विपक्ष पहुंच रहा है तो गलत नहीं कर रहा है। लोगों के बीच में जाना जरूरी है, लोगों के साथ में हमदर्दी दिखाना जरूरी है, लोगों को ये विश्वास, ये भरोसा दिखाना जरूरी कि हम आप तक पहुंच रहे हैं। मणिपुर की राज्यपाल है अनसुईया, और वो शनिवार को चूरा चांदपुर में बनाए गए एक रिलीफ कैंप में पहुंच करके हिंसा पीड़ितों से मिली, इस दौरान एक महिला हब्बीती सुनाते सुनाते रो पड़ी, उसके बाद गवर्नर ने उसे उठा करके उसे ढाढ़स बंधाया। मणिपुर में 3 मई से हिंसा जारी है, सैकड़ों लोग अपने घरों को छोड़ गए, सरकार की तरफ से रिलीफ कैंप बनाए गए उसमें वो रह रहे हैं। ये रिलीफ कैंप के अंदर लोग रहने को मजबूर है, अपने घरों के बारे में कुछ नहीं पता है, इनके घर हैं भी जला दिए गए, तोड़ दिए गए, लूट लिए गए, कुछ नहीं पता है। सोचिए आपको जो है आपका काम, आपकी नौकरी, आपके घर परिवार, और ये भी नहीं पता कि रिलीफ कैंप में पूरा का पूरा परिवार है, बहुत सारे लोगों का पूरा परिवार है, बहुत सारे लोगों का परिवार नहीं है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मेरे पिताजी जो है वो कहां पर हैं, वो जिंदा भी हैं कि वो मर गए हैं, मार दिया गया है,
मेरी माता जी कहाँ है, कोई पति जो है वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, कोई पति पत्नी अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं, और वो उन रिलीफ कैंप में क्या करते होंगे, सारा दिन वही एक जो है वो पूरा माहौल। आपको तो हो सकता है कि ये मणिपुर मणिपुर की खबरें सुन करके कुछ लोग कहेंगे कि कितना मणिपुर की खबरों को सुने, लेकिन वो रिलीफ कैंप के अंदर जो है वो कोई वहां पर शादी ब्याह की बात नहीं करते होंगे। वो रिलीफ कैंप के अंदर यही पूछते होंगे, तुम कौन से गांव से आए हो, तुम कहां से आए हो, तुम्हारे साथ में क्या हुआ, तुम्हारे साथ में क्या हुआ था, वो कितने लोग आए थे, उन्होंने क्या किया, पापा जी को क्या किया, मम्मी को क्या किया, तुम्हारी बहू को तो छोड़ गए, नहीं छोड़ करके गए, सारे दिन यही सवाल जवाब होते होंगे। और सोचिए वो बच्चे जो अभी स्कूल कॉलेजों में होने चाहिए थे, वो बच्चे बैठ करके अपने मम्मी पापा के साथ में या अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहे होंगे जो अनाथ के रूप में, वो वहां पर क्या सुन रहे होंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे और क्या उनके ऊपर गुजरेगी, सोचे जरा इस बात को। और ऐसे में विपक्ष सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष को नहीं पहुंचना चाहिए। अरे आप खुद मणिपुर बोलने के लिए तैयार नहीं है, आप मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है, आप जाने के लिए तैयार नहीं है, आप बुलाने के लिए तैयार नहीं है। वो कोई भेड़ बकरियां थोड़ी ना है कि बाड़ा बना देते हैं, चलिए उस बाड़े के अंदर भर देंगे और बाड़े में बैठ करके आप लोग चुपचाप रहिए। तय आपको करना है, तय देश के लोगों को करना है कि इस पूरे मामले में विपक्ष जो है वो राजनीति कर रहा है या विपक्ष बिल्कुल सही काम कर रहा है, सत्ता पक्ष जो है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है या सत्ता पक्ष बिल्कुल और बिल्कुल जो है आज जिस जगह पर वहां पर होना चाहिए था वहां पर ना हो करके एक इस तरह से अपने आप को दिखा रहा है कि आने वाले समय में उसको लोग धिक्कारेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप बताइए दोनों तीनों चीजों को आप किस तरह से देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक करें, इस खबर को शेयर करें और पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।